Uh, वो फिल्टर होने के लिए वोमेन्स कैप्सूल में जा रहा है और ब्लड में से भी ओनली प्लाज्मा एंड दैट टू विदाउट प्रोटीन्स ठीक है विदाउट लार्जर प्रोटीन्स वो क्या जा रहा है वो फिल्टर होने के लिए जा रहा है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं अल्ट्रा वर्ड यूज क्यों करते हैं क्योंकि इसको तीन लेयर से क्रॉस होना पड़ता है ठीक है इसीलिए इसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है तो ये

अब यहाँ से क्या होता है जो भी फिल्ट्रेट है जो भी फिल्ट्रेट है उसमें से जो भी चीज हमारी बॉडी को चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट हो गए वाटर हो गया ग्लूकोज हो गया अमाइनो एसिड हो गए ठीक है तो अमाइनो एसिड ग्लूकोज ये सब पी से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ठीक है वाटर सोडियम क्लोराइड ये सब एब्जॉर्ब होंगे डीसी से दो वाटर सोडियम जो है ये भी पीसीटी से भी एब्जॉर्ब होंगे मैक्सिमम एब्जॉर्न री एब्जॉर्प्शन वही होता है बट डीसीटी के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि ये डीसीटी है तो री एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि टिब्यूल से ब्लड के अंदर चले जाना ठीक है एब्जॉर्ब हो जाना अब यहाँ पे हम बात करें री एब्जॉर्प्शन भी आयोनिक और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है बॉडी फ्लूड्स के हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है ठीक है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा देन टिब्यूलर सिक्रीशन अब ब्लड के अंदर क्या है ब्लड के अंदर H प्लस आयन्स भी हैं, ब्लड के अंदर अमोनिया भी प्रेजेंट है ठीक है ब्लड के अंदर पोटेशियम आयन्स भी प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं ठीक है सो ये क्या होते हैं ये होते हैं सिक्रीट यानी ये टिब्यूल के अंदर आएंगे पेरी कैपिलरी से, ठीक है तो इनका होता है सिक्रीशन और सिक्रीशन से ये क्या होता है यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं तो अब अगर आयंस और अगर आयंस हो गए या कोई एलिमेंट्स हो गए जो कि हमारे टिब्यूल के अंदर जा रहे हैं तो उससे क्या होगा हमारी हमारे बॉडी फ्लूइड्स का जो आयोनिक बैलेंस है जो एसिड है वो मेंटेन रहता है राइट सो एसिड वेज बैलेंस और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में कौन हेल्प करेगा ट्यूबुलर सिक्रीशन हेल्प करेगा फोर्थ गिवन है पैसिव रि ऑफ वॉटर इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन तो इनिशियल सेगमेंट्स का मतलब ये है कि आ, पीसीटी की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली वहां से क्या हो रहा है कि पैसिवली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो पैसिवली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर अगर पैसिवली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो अगेन ये आयनिक और एसिड बेस्ड बैलेंस को मेंटेन नहीं कर रहा है ये बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है ठीक है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी ऑप्शन सी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको इलेवेंथ की न्यू एनसीआरडी में पेज नंबर टू जीरो नाइन पे मिलेगी आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है